दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें। चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वहीं जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों आप जब भी एडमिशन लेते हो, या तो आप एडमिशन लेते हो होटल मैनेजमेंट में या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में या और भी कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स बनती है, सब पर आज मैं डिस्कस करूंगा हालांकि अपनी इस वीडियो में, पर आप जब एडमिशन लेते हो तो जनरली सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स है होटल मैनेजमेंट का, बस कंसर्न होता है कि बस हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी होटल में हमारी नौकरी लग जाएगी और नौकरी करने के साथ साथ ही बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। क्या सिर्फ एक होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद में आप हॉस्पिटैलिटी भी देख सकते हो, होटल मैनेजमेंट भी देख सकते हो, साथ में कैटरिंग भी देख सकते हो और साथ में न्यूट्रिशन भी देख सकते हो? ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में आते हैं कि अगर हमने कोर्स कंप्लीट किया तो एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद में क्या सभी रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। इंडिया में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं सामने जिन होटल्स में आप जॉब कर सकते हो, साथ में ही अब्रॉड जाने के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोग कई सारे स्टूडेंट्स जो कंप्लीट करते हैं एचएम इंडिया से, वो जाते हैं सिंगापुर चले जाते हैं, लंदन जाते हैं, कई बार तो हमने देखा है कि दुबई चले जाते हैं, बहुत सारे होटल्स में जॉब उन्हें मिल जाती है। अपने हिंदुस्तान में जो एचएम कराया जाता है या फिर जो फूड से रिलेटेड अगर आप शेफ बनते हैं तो जो स्पाइसेस की नॉलेज है वो भी थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसका आपको एडवांटेज मिलता है। बट आज की अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो मैं बात करने वाला हूं, बताऊंगा आपको कि होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बीएचएम कोर्स बोलते हैं, बैचलर ऑफ एचएम एंड कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी BHMCT कोर्स बोलते हैं, और साथ ही BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब कोर्सेज में दोस्तों अंतर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। इन सब के बारे में बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कहां कहां आपकी नौकरी लग सकती है और कहां कहां आपको जॉब मिलेगी, सैलरी कितनी होगी। इन सभी चीजों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं एचएम से रिलेटेड, आपने एचएम से रिलेटेड कोर्स कर लिया, आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर लिया, या फिर आपने कैटरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कुछ कोर्स किया, शेफ आप बन गए हैं, अब ये कोर्सेज करने के बाद में अलग अलग सेक्टर्स में आपकी नौकरी लगती है। अब जब नौकरी लगती है, कई सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड चले जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स इंडिया में ही कहीं ना कहीं नौकरी देखते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपने रेस्टोरेंट खोलते हैं या बड़े बड़े होटल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है होटल मैनेजमेंट में और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को, आप कुछ इस तरह समझिए कि होटल मैनेजमेंट मतलब होटल को मैनेज करना और हॉस्पिटैलिटी मैनेज मतलब कि आवभगत करना, या अपने देश का जो एक फेमस स्लोगन है जिसको हम बोलते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव के अंदर अगर देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी टच होता है। होटल मैनेजमेंट के अंदर होटल से रिलेटेड सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं जब आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करते हैं। अब इसको करने के लिए दोस्तों सिंपल सी बात तो क्या है कि आपने एडमिशन लिया, जब एडमिशन लिया तो आप ये भी देख लें कि किस चीज पर मेन फोकस किया जा रहा है। अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो ओनली कंसर्न जो होता है वो होटल इंडस्ट्रीज का होता है और उसके फंक्शनिंग किस तरह से वो चलेगा, सिर्फ होटल मैनेजमेंट में ये बात बताई जाती है जो एरिया और वर्क होता है। पर आप जब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की आप बात करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, जैसे कि आप फूड एंड बेवरेजेस के बारे में जान जाते हैं, आप ट्रेवल के बारे में जानते हैं, इवेंट मैनेजमेंट को भी आप देखते हैं, ऐसी कई सारी चीज जो भी हॉस्पिटैलिटी से मतलब कि किसी की मेहमान नवाजी से, साथ में जो हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, उसमें जो मेहमान नवाजी आप करते हो, सामने वाले को किस तरह से हॉस्पिटैलिटी आप देते हो, ये सब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है।
जॉब कैसी कैसी आपको मिल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने अगर होटल मैनेजमेंट किया है तो होटल सेक्टर में जो जॉब मिलेगी होटल मैनेजर की मिल जाएगी, हाउसकीपिंग की मिल जाएगी, इस तरह की नौकरियां आपको मिलती हैं जो होटल मैनेजमेंट में नौकरियां दी जाती हैं। साथ में अगर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हो तो इसमें जो जॉब मिलती हैं, कसिनोज आपने बहुत देखे होंगे दोस्तों, गोवा में बहुत सारे कसिनो हैं, आप सिंगापुर जाओगे बहुत सारे कसिनो हैं, ऐसे मकाओ जाएंगे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे कसिनोज हैं, उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी के अंदर अगर आप देखो कसिनो मैनेजर की नौकरियां मिलती हैं, जॉब मिलती हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप वो सब नौकरी ले सकते हैं। इवेंट मैनेजर आप बन सकते हैं, रिजॉर्ट मैनेजर बन जाइए, होटल मैनेजर बन जाइए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं जब आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आप करके आते हैं। साथ में ही और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट देखते हैं अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, और पीपल मैनेजमेंट देखते हैं जब आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करके आते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब बात करें कि सैलरी की, दोस्तों सैलरी की बात करें कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जिसने किया है और जिसने उसको वास्ट लेवल पे किया है तो मेरा मानना है बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, बहुत सारी जॉब्स के ऑप्शन आते हैं, सैलरी बहुत हाई होती है। हालांकि होटल मैनेजमेंट के अंदर भी सैलरी कुछ कम नहीं होती, बट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर हमेशा देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का पलड़ा भारी होता है। एक चीज को और आपको समझने वाली बात है, जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हालांकि हमने कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है एडमिशन लेने में, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ अगर आती है, आप जानना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की फीस कम है, कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे से आपको एजुकेशन देते हैं, क्योंकि ये एक स्किल्ड प्रोग्राम है दोस्तों, इसके अंदर प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ किताबों से पढ़कर आप सोचो कि मैंने होटल मैनेजमेंट या फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को सीख लिया तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर आपको प्रैक्टिकली चीजों का ज्ञान लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। कोर्सेज की अगर हम बात करें, हालांकि कोर्सेज दोस्तों बहुत सारे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग पैटर्न पे करवाती है, हालांकि हमने कई बार फीस को भी हमने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, कंपेयर किया अलग अलग यूनिवर्सिटी से, बेस्ट आपको यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन बहुत बार दिए हैं। आप एडमिशन लेने में इच्छुक हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी उससे मदद जरूर कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट ये कोर्स है BHM, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो एडमिशन लेती हैं साथ में वो BHMCT के अंदर भी एडमिशन लेती हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड एक कोर्स है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। कैटरिंग जो होती है, कैटरिंग के अंदर कई बार शेफ बन जाते हैं लोग, कैटरिंग के रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ये कोर्स काफी अच्छा कोर्स होता है। या फिर आप BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पर मैं आपको यही बोलूंगा BHMCT जो कोर्स है सब चीजें सिखाई जाती हैं, सब चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। और हमने तो ये भी देखा है कि जितने भी बैचलर होटल मैनेजमेंट अच्छी यूनिवर्सिटीज जो करवाती है, जिनके पास अच्छा इंफ्रा है, साथ में ही अच्छी तरह से सर्विसेज देते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे अच्छे किचन है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिकली वो लोग चीजें सिखाते हैं, जहां से आप जब निकलते हैं उन यूनिवर्सिटी से कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तो आपको इतनी नॉलेज होती है किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से हॉस्पिटैलिटी में काम करना है, किस तरह से होटल्स को मैनेज करना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज अपने हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, तो मानना मेरा यही है कि होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह से करना है, तभी आपको बड़े बड़े होटल्स में आपकी नौकरी लग पाएगी। और जब भी कभी इंटर्नशिप टाइप के जब आप करते हैं, जब एक ट्रेनिंग के लिए आप जाते हैं, तो मेरा मानना है 5-स्टार जो होटल्स हैं उन्हीं में ट्रेनिंग्स हों, या फिर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जिसमें हमने कई बार आपको एडवाइस किया है एडमिशन लेने के लिए, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ कई बार देखा है मॉरिशस भेजते हैं, दुबई भेजते हैं, कई बार सिंगापुर भेजते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, गोवा भी भेजते हैं, हालांकि कई सारे 5-स्टार होटल्स में भेजते हैं। तो आप किसी भी तरह की अगर इंक्वायरी लेना चाहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजती है, हम आपको जरूर बताएंगे। दोनों में से ही किस लाइन में आप जाना चाहेंगे, होटल मैनेजमेंट में या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, वो आप पर निर्भर करता है। पर जो भी कुछ सीखे प्रैक्टिकली सीखने वाली ये चीज़ है, प्रैक्टिकली अच्छे सीखे, किताबी पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं आएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपना आपको एक्सपेंड करें, जितना ज़्यादा हो सके अपना दायरा बढ़ाएं सीखने के लिए, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो होटल इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी खासी सैलरी लाखों में आपको मिल सकती है। जितना अच्छा परफॉर्म आप कर पाएंगे, जितना अच्छे से आप काम कर पाएंगे, उतने अच्छी आपको सैलरी भी मिलेगी। दोस्तों कोई भी किसी तरह के डाउट अगर आपके दिल में है HM को लेकर, आप सवाल पूछें
या नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी, किस टॉपिक या किस कोर्स पर चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं एचएम के बारे में, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना। एडमिशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन दे देंगे और कम से कम फीस जिनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस की होगी वो आपको बता देंगे। अच्छा लगा हो दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। और साथ ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।